इंसान जो कि इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान जीव है, यह अपने बुद्धि के दम पे तमाम सृष्टि पे अपना राज करते आया है। पर इसका लोभ इतना बढ़ चुका है, इंसानों की लोभ अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह खुद के ही भविष्य को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अपने ऐशो आराम के लिए सबसे पहले इंसानों ने जंगलों को बर्बाद किया। जंगलों के किनारे अपने घर बनाए, बड़े बड़े शहर बसाए, इन्हीं जंगलों से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं जंगलों का बलि देते हुए सड़क बनाए। जंगलों को काट के इंसानों ने बड़े बड़े कारखाने लगाए। इन कारखानों में अपने सुख सुविधाओं की तमाम चीज़ों को खोजते हुए इंसानों ने फिर से इस जंगल को काटना शुरू किया। जंगल को काट के, पेड़ों को काट के इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने और अपने सुविधाओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। पर इतने में जब इनका मन नहीं भरा तो अब इंसान इन जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं। आग जला के कहीं पे इंसान अपने खेती के लिए भूमि बना रहे हैं तो कहीं अपने खदानों के लिए जगह बना रहे हैं। आग जंगल को अपने चपेट में कुछ इस तरह से लेता है, पूरा जंगल जल के खंडहर बन जाता है। आग लगने के बाद जंगलों का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और यहाँ पे रहने वाले बहुत से जीव मारे जाते हैं और कुछ यहाँ से भागने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बेजुबान जानवर को इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेघर करने में लगा है। किस तरह से इंसान अपने ही भविष्य को बर्बाद करने में लगा है, आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, एक हकीकत से वाकिफ करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। करोड़ों साल पहले आकाशगंगा में कुछ हलचल पैदा होती है और बहुत से पिंड आपस में टकराते हैं और इन्हीं पिंडों के टकराने से हमारा जो धरती है उसका संरचना शुरू होता है, धरती का अस्तित्व सामने आता है। पर करोड़ों साल पहले धरती का तापमान और यहाँ की जलवायु यहाँ के रहने लायक नहीं थी, यहाँ कोई भी जीव का पनपना बहुत ही मुश्किल था। जैसे जैसे समय बीतता गया पर्यावरण में बहुत से बदलाव होने शुरू हुए और धीरे धीरे यहाँ का वातावरण यहाँ रहने लायक बनने लगा। इस सृष्टि को बनाने में पानी की एक अहम योगदान रही है। महासागरों के कारण ही यहाँ का जो पर्यावरण था वो धीरे धीरे साफ होने लगा और यहाँ जीवों के रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होने लगा। वैज्ञानिकों की माने तो जीव की संरचना सबसे पहले पानी में हुई। महासागरों में बदलाव होने लगे और यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे जीवाणु जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो पनपने लगे। तब तक धरती भी अपना पर्यावरण बनाने लगा था और अंतरिक्ष से हमारी जो धरती है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ने लगी थी। जैसे जैसे वातावरण साफ होते गया, पानी के अंदर छोटे छोटे जीव भी पनपने लगे और इन्हीं जीवों से आगे चल के इस समूचे सृष्टि का निर्माण हुआ और सभी जीवों का अस्तित्व सामने आया। हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर पाए जाने वाले ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम इंसान बने हैं। इन्हीं से धीरे धीरे विकसित होकर हम इंसान के रूप में आगे चले हैं। पानी के अंदर जीव की संरचना हुई यह तो हम सभी ने जाना, पर जैसे जैसे हम इंसान अस्तित्व में आने लगे तो हमारी तमाम ज़रूरतों को जंगल ही पूरा करने लगे। आदिकाल से जंगल हमें रहने का स्थान, खाना, पानी और साफ हवा देते आई है।
जिसके एवज में कभी भी जंगल ने हमें कभी कुछ न मांगा। पर आज के समय में जब हम इतने बुद्धिमान और इतने विकसित हो रहे हैं, तब हम इन जंगलों के महत्व को भुलाना शुरू कर दिया। हमने अपने भोग विलास के लिए जंगलों को कुछ इस तरह से बर्बाद किया जो आने वाले भविष्य में हमारे पर्यावरण चक्र को बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। हम इंसान जंगलों को सिर्फ और सिर्फ एक जहर ही दे पाते हैं, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा जहर है जिसकी मात्रा अगर पूरे ब्रह्मांड में बढ़ गई तो धीरे धीरे पूरे पृथ्वी की तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारा जो बचाव करने वाला ओजन लेयर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। ओजन परत के ख़त्म होते ही सूर्य से निकलने वाली ऐसी बहुत सी पराबैंगनी, जिसे हम अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं, वो सीधे तौर पे हमारे धरती पे टकराएंगे और ये इतने खतरनाक होते हैं कि चंद घंटों में हम इनसे झुलस के अपनी जान गंवा सकते हैं। इन पराबैंगनी किरणों के सीधे तौर पे धरती पे पड़ने के कारण हमारा धरती कुछ इस तरह से जलने लगेगा। तापमान बढ़ने के कारण बड़े बड़े हिमखंड जो हमारे इस धरती पे मौजूद हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मौजूद बहुत सारी ज्वालामुखी उफान मारती नजर आएंगी और वो अपने चरम पे अपना तांडव दिखाना शुरू कर देगा। कुछ इसी तरह से हमारा अंत करीब आएगा जब समुद्र के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो समुद्र भी उफान मारेगा और भूकंप के कारण बड़ी बड़ी सुनामियां हमें देखने को मिलेगी। मानव जाति कुछ इस तरह से अपना विनाश करने वाले हैं और अपना समूचे इतिहास को मिटाने वाले हैं। बहुत से फिल्म में आप लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा, पर अफसोस है कि जब ये दृश्य होगा तब हम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। कुछ इस तरह से हम अपने धरती को बर्बाद कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी संस्कृति ही विनाश के कागार पे पहुंच जाएगी। जंगल पे मौजूद सूखे पेड़, सूखे पत्तियां और सूखी टहनियां, ये सभी पर्यावरण चक्र का एक मुख्य हिस्सा है। इनके अंदर में छोटे छोटे, इतने छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, जो अपना जीवन इन्हीं पत्तों पे, इन्हीं टहनियों पे बिताते हैं। वो इन्हें खाते हैं, अपना परिवार को पालते हैं और इन सभी के कारण ही जो भी वेस्ट रहता है, जो भी सूखी लकड़ियां होती है या पत्ते होते हैं, वो सभी डिकम्पोज हो जाते हैं और इन्हीं के कारण वो डिकम्पोज होके मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। इस केंचुए को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, जिसे हम किसान का दोस्त भी कहते हैं। यह इस वेस्ट को डिकम्पोज करके मिट्टी में तब्दील करता है और उपजाऊ मिट्टी को सतह पे लेके आता है। धीरे धीरे यह परत पूरे जंगल में फैलता है और इस उपजाऊ मिट्टी से एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे जीव निवास करते हैं और इसी तरह से पर्यावरण चक्र आगे बढ़ता है। पर इतने में ही यह कहानी समाप्त नहीं होती है दोस्तों। जंगल का जो महत्व है वो अब आपको जानने को मिलेगा। धीरे धीरे यह चक्र आगे बढ़ता है और समय के साथ यह और भी गहरा होते जाता है। पर जैसे ही बरसात होती है, बरसात से बह के वो तमाम मिट्टियाँ, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो नई बनी मिट्टी है, वो पानी के जरिए हमारे खेतों पे पहुँचते हैं। जंगल से जो भी नाले, जो भी धाराएं निकलती हैं, उन सभी में बह के वो पोषक तत्व वाली मिट्टी हमारे उपजाऊ खेतों में पहुँचते हैं और इन्हीं के कारण हमारे खेत उपजाऊ होते हैं। हमारी खेतों की जो मिट्टी है वो मिट्टी
इन्हीं मिट्टी के मिलने से, इन्हीं पोषक तत्व के मिलने से ही उपजाऊ होती है, और इन्हीं के कारण हमारे पूर्वज पहले के समय में बिना आधुनिक खाद के या फिर बिना पेस्टिसाइड के वो आराम से खेती कर पाते थे, और उनकी उपज भी हमारी तुलना में अधिक हुआ करती थी। उनके फसल, उनके अनाज हानिकारक नहीं थे, और यही कारण था कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते थे। हमारे पूर्वज जंगल और प्राकृतिक के साथ में मिल के रहना जानते थे, पर वर्तमान में इंसान उन तमाम रास्तों को भुला चुका है, उन तमाम सीख जो उन्हें अपने पूर्वज सिखा के गए थे उन्हें भूल चुका है। जंगल काटने के और एक बहुत ही खतरनाक प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ा है। जंगल में पहले कुछ इस तरह के शिकारी जीव हुआ करते थे जिसे हम बाघ के नाम से जानते हैं। अभी के समय में बहुत कम जंगलों में बाघ दिखाई पड़ते हैं। पहले हमारे जंगलों में लोमड़ी, सियार, इसकी भी मात्रा बहुत अधिक हुआ करती थी। हमारे जंगलों में भालू की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती थी। साथ ही हमारे जंगलों में जगुआर, तेंदुआ या चीता जैसे बहुत से शिकारी जीव भी पाए जाते थे। ये तमाम जीव जो आप देख रहे हैं ये सभी शिकारी जीव हैं, और ये दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना जीवन जीते हैं। पुराने समय में सुबह की नींद मोर की आवाज़ से खुला करती थी। हमारे जंगलों में मोर बहुत मात्रा में पाए जाते थे। इनके साथ ही बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव थे जो हमारे जंगलों में पाए जाते थे। यह जीव विविधता को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता था। ये जीव उन सभी जीवों को अपना आहार बनाता था जो हम किसानों के लिए, जो हम मनुष्यों के लिए खतरनाक था। अभी के समय में बहुत से लोगों के खेतों को सुअर तबाह करके चले जाते हैं, क्योंकि अब इनका शिकार करने वाला शिकारी जीव हमारे जंगलों पे नहीं बचा है। हिरण हमारे खेतों पे आते हैं, हमारे फसल को खा के चले जाते हैं। ये दिन प्रतिदिन अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, और इन्हें शिकार करने वाला जो शिकारी जीव बाघ, तेंदुआ, चीता, जगुआर था, वो अब हमारे जंगलों पे नहीं है, और इन्हीं के कारण आज हम अपने फसलों को बचाने में असमर्थ हैं। तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से जानवर खत्म होने का प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन चक्र में पड़ा है। तो दर्शकों, आशा करूंगा कि आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इंसानों के जीवन में पर्यावरण का कितना महत्व है यह मैं अपने इस छोटे से वीडियो पे बताने का कोशिश किया हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आशा करूंगा कि आज से आप लोग कभी भी जंगल पे आग नहीं लगाएंगे, और कहीं भी अगर आग लगा दिखे तो उसे यथा प्रयास बुझाने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगर आप भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।